नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस ड्रीम इलेवन में। तो फ्रेंड, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग में जो आज फर्स्ट मैच होने वाला है दबंग दिल्ली और हरियाणा स्टीलर्स का। तो इसलिए फ्रेंड, इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हूं दोनों टीमों का स्टार्टिंग सेवन और ड्रीम इलेवन टीम। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आगे आप लोग को बताने वाला हूं कौन सा प्लेयर खेल सकता है दोस्तों, कौन सा प्लेयर नहीं खेल सकता। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को दोस्तों जरूर जरूर एंड तक देखना और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेस ड्रीम इलेवन के साथ। और दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दोस्तों प्रेस कर लेना। तो दोस्तों बात करिए दोनों टीमों की, तो दबंग दिल्ली दोस्तों पिछला मैच अपना हार कर आ रही है यू मुंबा के अगेंस्ट, और वहीं दोस्तों हरियाणा स्टीलर्स भी अपना मैच हार कर आ रही है गुजरात फॉर्टून जैस के अगेंस्ट। तो दोनों ही टीम दोस्तों पिछला मैच अपना हार कर आ रही है, लेकिन दोस्तों दबंग दिल्ली अभी भी प्लेऑफ में दौर में दोस्तों बनी हुई है, अभी भी पॉइंट है दोस्तों चौथे स्थान पर। वही दोस्तों हरियाणा स्टीलर्स लगभग अभी तक मुझे जिस हिसाब से लग रहा है वो दोस्तों प्लेऑफ के दौर से बाहर हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा हरियाणा स्टीलर्स का मैच बहुत ज़्यादा दोस्तों ये लूज़ कर चुकी है अपना मैच दोस्तों, जो कि अब मुझे नहीं लगता कि हरियाणा स्टीलर्स जो करंट फॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्लेऑफ्स में पहुँच सकती है। तो उसी हिसाब से दोस्तों अपनी टीम बनाना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम आप लोग को अपना कल का विनिंग दिखा देते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों मैंने कल एक ही मैच में दोस्तों लगाया था जो था दबंग दिल्ली और यू मुंबा का मैच। कल हमारे दोस्तों काफ़ी अच्छा टीम, अगर आप लोगों ने हमारे फर्स्ट टीम के साथ गए होगा तो हमने काफ़ी अच्छा विन किया होगा। ये देख सकते दोस्तों इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए फ्रेंड, इन दो मैच का मेरा सेम टीम था, मतलब सेकेंड टीम था इसमें दोस्तों, जो कि मेरा इन दो में लॉस हुआ, लेकिन जो दोस्तों मेरा आठ कॉन्टेस्ट था वो आराम से मैंने जीत गया। आप देख सकते दोस्तों अगर आप मेरे टीम वन के साथ गए हो दोस्तों तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा विन किया होगा। आप देख सकते सब में दोस्तों एक रैंक दो रैंक ऐसे इस तरह से मेरे रैंक आ रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा मैंने कल विन किया आप देख सकते हैं कि। तो यहाँ से मैंने 10 कॉन्टेस्ट दोस्तों ज्वाइन किया था 60 रुपीज़ वाला, जिसमें दोस्तों मैंने दो कॉन्टेस्ट लूज़ किया, बाकी दोस्तों मैंने सभी जीत गया। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप लोगों ने विन करते हो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस अपने विनिंग को हमारे साथ शेयर करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितना दोस्तों विन किया है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं दोनों टीमों का स्टार्टिंग सेवन आज का मैच में किस तरह से हो सकता है। दोस्तों पिछला मैच गुजरात फॉर्चून जायंट्स का, जिसमें तो दोस्तों इसी टीम के हिसाब से दोस्तों इन्होंने खेला, जहां मोनू गोयल पिछले मैच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते दिख गए थे, विकास कंडोला और कुलदीप सिंह, ये मुझे लग रहा है दोस्तों ये सभी आपके लिए टीम में सेफ रहने वाले। यहां से नवीन, सुधांशु त्यागी, प्रवीण और सुनील, इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको सुधांशु त्यागी टीम से बाहर बैठा दिख सकते हैं, उनके जगह दोस्तों सचिन सिंघाड़ इस टीम में मुझे लग रहा है दोस्तों कन्फर्म स्टार्टिंग सेवन में आने वाले दोस्तों। और आपको आनंद सुरेंद्र तोमर हमेशा की तरह दोस्तों आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिख जाते हैं, इन्होंने तो रेड पॉइंट लिया है दोस्तों, जो कि सब्स्टिट्यूशन के तौर पे आके इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। तो वही दोस्तों बात करें तो आपके सुधांशु त्यागी को अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो आपके लिए मुझे लग रहा है दोस्तों इन सभी प्लेयर आपके लिए सेफ है, सुधांशु त्यागी को इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सचिन सिंघाड़ा ने पिछले में दोस्तों चार टैकल पॉइंट लिया था गुजरात फॉर्चून जायंट्स के अगेंस्ट। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, इसलिए सीधा आपको दोस्तों सचिन सिंघाड़ा स्टार्टिंग सेवन में दिख जाएंगे सुधांशु त्यागी की जगह पर। तो इनके अलावा मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखता है दोस्तों बाकी के लिए, यहाँ से मोनू गोयल, विकास कंडोला, कुलदीप यादव, कुलदीप सिंह, नवीन, प्रवीण, सुनील, इनके अलावा मुझे कोई चेंजेस इनके टीम में नहीं दिख रहा है फ्रेंड। तो वहीं दोस्तों बात कर ली जाए दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग सेवन की, दोस्तों दबंग दिल्ली की तरफ से आपने देखा था दोस्तों चंद्र रंजीत ने 7 पॉइंट रेड में लिया था दोस्तों, उनके बाद यहाँ से नवीन कुमार कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जोगिंदर नरवार 3 पॉइंट, विशाल मान्य, रविंदर पहल, मिराज से दोस्तों पूरी तरह से पिछले मैच में फ्लॉप हो गए दोस्तों, उनके बाद यहाँ से राजेश नरवाल। तो इस मैच में मैं आपको बता दूँ क्या चेंजेस हो सकता है, मुझे लगता है दोस्तों इस मैच में पवन कुमार कादियान इन कर सकते हैं मिराज से की जगह पर, ये बहुत कम चांस है, लेकिन दोस्तों ये आपको मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड मिराज से का जो कुछ मैचेस था उन्होंने पिछले बहुत कुछ मैचों में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन दोस्तों इनका जो एक दो मैच पीछे था वो उसमें दोस्तों ये पवन कुमार का अध्ययन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मिराज से एक से बेटर परफॉर्मेंस कर रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर पॉसिबिलिटी होती है तो दोस्तों पवन कुमार का अध्ययन आपको इन करते हुए दिख जाएंगे। उनके अलावा फ्रेंड यहां से चंद्र रंजीत, नवीन कुमार, जोगिंदर नरवाल, विशाल माने, रविंदर पहल, मिराज शेख, राजेश नरवाल, ये हो सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा दोस्तों जो यहां नवीन कुमार को सिर में थोड़ा दोस्तों चोट लगा था, तो इसलिए हो सकता है दोस्तों टीम चाहे तो यहां से पवन कुमार का अध्ययन को टीम में लाकर नवीन कुमार को दोस्तों रेस्ट दिया जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं यहां से अपने ही सेफ प्लेयर के साथ ही जाना पसंद करूंगा, जो कि दोस्तों नवीन कुमार को मैं अपने टीम में रिस्क तौर पे जरूर ट्राई करने वाला हूं फ्रेंड। तो सब्स्टिट्यूशन के तौर पे अगर आपको अगर किसी भी तरह दबंग दिल्ली की टीम चेंजेस नहीं करती है दोस्तों, यहां से आपको सब्स्टिट्यूशन के तौर पे पवन कुमार का अध्ययन ही दोस्तों दिखने वाले हैं। तो चलिए बात करिए दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम की, दोस्तों मैं आपको तीन टीम दे रहा हूँ, जो टीम आपको बेटर लगे आप उसके हिसाब से फ्रेंड जा सकते हो, आप अपने हिसाब से भी दोस्तों जरूर अपने दिमाग से सोच के दोस्तों एक दो चेंजेस कर लेना, ताकि दोस्तों वही चेंजेस आपको मैं हमेशा बोलता हूँ वही चेंजेस आपको दोस्तों विन करवाता है इजीली। उनके बाद दोस्तों बात कर ली जाए यहीं से डिफेंडर सेक्शन की, तो यहाँ से मैंने दोस्तों दो डिफेंडर के साथ गया हूँ,
जोगिंदर नरवाल और कुलदीप सिंह। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन दोस्तों रविंदर पहल का, विशाल माने, सचिन सिंह आर्य मुझे लगता है इस मैच में स्टार्टिंग सेवन में कंफर्म आने वाले हैं, सुनील का, उनके बाद दोस्तों इनके अलावा मुझे नीचे कोई बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं दिख रहा है फ्रेंड। सिर्फ यहाँ से आपके लिए प्रवीण को हटा दिया जाए तो इनके अलावा आपके कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ से मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बता दूँ, इन दोनों के अलावा दोस्तों आप सचिन सिंह आर्य, रविंदर पहल या विशाल माने या फिर सुनील, इन चारों में से दोस्तों किन्हीं को भी ट्राई कर सकते हो, आपका सभी प्लेयर सेफ रहने वाला है। तो मैं फ्रेंड यहाँ से जोगिंदर नरवाल और कुलदीप सिंह के साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों उनके बाद बात कर लीजिए ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ये मेरा दोस्तों फर्स्ट टीम है जिसमें मैंने मिराज सिंह को टीम में लिया है फ्रेंड। उनके बाद यहाँ से आनंद सुरेंद्र तोमर को एज अ क्रेडिट सेवर के तौर पे मैंने इन्हें टीम में एड किया है। उनके बाद दोस्तों बात कर ली जाए तो यहाँ से राजेश नरवाल आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, चाहो तो आप राजेश नरवाल को दोस्तों पिक कर सकते हो। उनके बाद यहाँ से मुझे कोई बेस्ट ऑप्शन फ्रेंड नहीं लग रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट एक ही दो ऑप्शन है, राजेश नरवाल और दोस्तों यहाँ से मिराज सिंह और राजेश नरवाल का। तो यहाँ से आपके लिए सुरेंद्र तोमर आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों ये आपको सब शूज कन्फर्म दिखने वाले टीम में 100% श्योर दोस्तों कि आपको इस मैच में खेलते दिख जाएगा दोस्तों, भले वो स्टार्टिंग सेवन में खेले या फिर दोस्तों एज सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेले। तो ये रहा दोस्तों हमारा ऑलराउंडर सेक्शन। वहीं बात कर लीजिए दोस्तों रेडिंग डिपार्टमेंट की, तो यहाँ से मैंने विकास कंडोला, चंद्र रंजीत और दोस्तों नवीन कुमार को मैंने पिक किया। यहाँ से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मोनू गोयत का, नवीन दोस्तों पिछले कुछ मैचों से फ्लॉप चल रहे, तो आप इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हो। पवन कुमार कादयान, उनके बाद दोस्तों यहाँ से मुझे कोई ऑप्शन बेस्ट नहीं लग रहा है फ्रेंड। तो इनके अलावा अगर इन पांच के अलावा दोस्तों छोड़ा जाए तो आपके लिए बेस्ट नीचे ऑप्शन कोई नहीं लग रहा है। तो विकास कंडोला, मोनू गोयत, चंद्र रंजीत, नवीन कुमार और पवन कुमार कादयान, ये कुछ बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इनमें से दोस्तों ज़्यादा ट्राई करना। ये नवीन आपके लिए बेस्ट है दोस्तों, पवन कुमार आपके लिए थोड़ी सी है, ये नवीन बेस्ट है दोस्तों। दो नवीन है, एक नवीन कुमार गोयत दोस्तों, एक नवीन कुमार है। तो यहाँ से चंद्र रंजीत, मोनू गोयत, विकास कंडोला, नवीन कुमार और नवीन कुमार गोयत, तो ये कुछ ऑप्शन आपके लिए दोस्तों, इनमें से आपने ट्राई कर लेना है। तो यहाँ से दोस्तों मैं विकास कंडोला, चंद्र रंजीत और नवीन कुमार के साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों बात कर लीजिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, तो कैप्टनसी में यहाँ से दोस्तों विकास कंडोला के साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी नवीन कुमार के साथ। अपने रिस्क पे दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रखना, क्योंकि फ्रेंड सभी का दिन अलग अलग होता है दोस्तों, सभी का अलग अलग होता है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आप अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस करना और कुछ कैप्टनसी वाइस कैप्टन दोस्तों आप अपने हिसाब से अपने से सोचकर ही रखना। तो कैप्टनसी दोस्तों मैं यहाँ से विकास कंडोला को रख रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी नवीन कुमार को। आप चाहो तो फ्रेंड कैप्टनसी नवीन कुमार, वाइस कैप्टनसी विकास कंडोला कर दो, ये आप मैं रिस्क आपके छोड़ रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से चंद्र रंजीत भी आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टीम। दोस्तों बात कर लीजिए सेकेंड टीम की, तो यहाँ से मैंने टोटली और दिल्ली की टीम में दोस्तों, दिल्ली के फेवर में दोस्तों टीम बनाया, जहाँ से दोस्तों रविंदर पहल, जोगिंदर नरवाल दो बेस्ट जोड़ी दोस्तों, कॉर्नर दोनों ही राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर, कुलदीप सिंह दोस्तों हरियाणा का बेस्ट डिफेंडर, सुरेंद्र आनंद तोमर जो कि दोस्तों आपको एज सब्स्टिट्यूशन टीम में कन्फर्म दिखने वाले हैं। यहाँ से मैं दोस्तों मिराज शेख और राजेश नरवाल दोनों को मैंने दोस्तों ड्रॉप कर दिया है। उनके बाद यहाँ से दोस्तों ऑलराउंडर रेडिंग सेक्शन से चंद्र रंजीत, विकास कंडोला, नवीन कुमार, वाइस कैप्टनसी। इसमें मैं दोस्तों क्या चेंजेस करने वाला हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ से मैं वाइस कैप्टनसी विकास कंडोला को देने वाला हूँ और दोस्तों कैप्टनसी मैं यहाँ से नवीन कुमार गोयत को देने वाला हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से मैं चेंजेस करने वाला हूँ, तो आप अपने हिसाब से भी देख लेना दोस्तों किस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। थर्ड टीम दोस्तों मैंने फुल्ली दोस्तों ये हरियाणा के टीम के ऊपर बनाया दोस्तों, ये मेरा ग्रैंड लीग का टीम है जहाँ दोस्तों मैंने जोगिंदर नरवाल, कुलदीप सिंह, सुधांशु त्यागी, मिराज शेख, विकास कंडोला वाइस कैप्टनसी, मोनू गोयत को दोस्तों बहुत कम लोगों ने पिक किया होगा, क्योंकि दोस्तों इनका क्रेडिट बहुत ज़्यादा हाई, इनका 15.5 इनका क्रेडिट दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों इन्हें बहुत कम लोगों ने पिक किया होगा और मैं इन्हें दोस्तों ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन के रूप में ले जा रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो इस टीम के हिसाब जा सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से भी दोस्तों कुछ नया ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। दोस्तों ये रहा हमारा तीनों टीम। अगर दोस्तों कोई टीम आपको पसंद आया हो या फिर आपको दोस्तों इस वीडियो से कुछ आपको दोस्तों हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक करना फ्रेंड, और जल्दी से जल्दी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और एक बार जरूर दोस्तों आप हमारे चैनल पर ट्रस्ट दिखाओ और देखो दोस्तों कि अगर आप कितना विन करते हो, तो दोस्तों वो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताओ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।